नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम दिवी सरस्वती व्या तथो जय मुदीर जन्मादयतन्वयादितरतश्चाथेश विघ्नस्वराट तेने ब्रह्मयादि कव मुख्यती यम सूरया तेजो वारी मृदा यथा विनम सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमह योन प्रविश्रमवाच मं प्रसुपताजीवयशक्तिधरस्वधा न अन्याशहस्तचरणश्रवणंप्राणन्नमो भगवते पुरषा तोभ्यं कल्याणुजात्रय कामतायिने श्रीमद्वेकनाथय श्रीनिवासा ते नम कृष्णा वासुदेवाय हरए परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जययोगीन्द्रं कामबाणाच्छिदं सदा चित्रपद गंभीरवाक्यम खंडितई गुरु भाव व्यज्जयती भातिश्रीजयतीर्थवाक्थीक प्रत्यर्थगजकसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयात स्मदीष्टा सिद्ध पूजा राघवेन्द्रा सत्यधर्मताय चजता कलवृक्षा नमताधेन ब्रह्मचर्य प्रीति सुविद्यादशालिनाष्ट कष्टहर्तूमना विद्यामुनी नम श्रीगुरुभ्यो नम हरि ओम भागवत के तृतीय स्कंध में तृतीय स्कंध के अध्याय में श्रीहरि विष्णु परमात्मा का काल शब्दवाच्य विदुर और मैत्रेय मुनि जी के संवाद में कालरूपी परमात्मा का महत्व और उनका महत्व क्या है और उसके पश्चात कालरूपी परमात्मा का वर्णन किस प्रकार से आता है उसमें बहुत सुंदर रीत्या वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं इस एकादश अध्याय में विदुर जी मैत्रेय मुनि जी को वहाँ पर प्रश्न करते हुए पूछते हैं बहुरूप कालाख्यम लक्ष लक्षण ब्रह्म यथावर्णय न प्रभो हो। इस प्रकार विदुर जी मैत्रेय जी को प्रश्न करते हैं कि भगवान का बहुरूप जो आप बताते हैं और अद्भुत ऐसा जो भगवंत ने अनेक लीलाएँ और अनेक परमा पूज्य श्रीपाद जी को स्वामी जी को अनेक साष्टांग नमस्कार करते हुए इस उपन्यास को प्रारंभ करता हूं विदुर जी प्रश्न करते हुए कहते हैं कि परमात्मा का बहुरूप जो अनेक कथाओं में आता है और अद्भुत ऐसा उनका कर्म है जगत सृष्टि की रचना करने वाले परमात्मा स्वयं ही है ऐसे काल रूपी परमात्मा के लक्षण क्या है वो हे मैत्रियेय मुनि जी आप मुझे कृपया बताए ऐसे विदुर जी प्रश्न करते हैं और विदुर जी प्रश्न करते हुए मैत्रेय मुनि जी उनको प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं गुणव्यति कराकारो निर्वेशो निर्विशेषो प्रतिष्ठा पुरुष पादान आत्मा लीलया सृजत ये विश्व की रचना करते हुए परमात्मा किस किस प्रकार की सृष्टि की रचना करते हैं और अपना अद्भुत ऐसा जो कर्म है वो प्रकट करते हैं और प्रकट ही नहीं अपितु प्रमाणित करते हैं इस एकादश स्कंध में भगवंत भगवान का कालरूपी वर्णन किस प्रकार से आता है वो विदुर मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को बहुत उत्तम रीत्या वहाँ पर बताते हैं ये अद्भुत कार्य कैसा है काल की व्याख्या कैसी है काल का काल का कैलकुलेशन किस प्रकार होता है और काल कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक के जाता है उसका अद्भुत वर्णन मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को बताते हुए कहते हैं और यहाँ पर परमाणु पर परमाणु अणु परमाणु से वहाँ पर प्रारंभ करते हुए और परमात्मा का जो विराट अद्भुत ऐसा जो दर्शन जो है जो हम सब जानते हैं विराट रूप परमात्मा का अर्जुन जी को परमात्मा ने वहाँ पर गीता उपदेश के समय बताया था वैसे ही यहाँ पर काल की गणना किस प्रकार होती है और वो अंत में कहाँ तक जाता है ये वहाँ पर मैत्रेय मुनि जी वहाँ पर विदुर जी को बताते हुए कहते हैं सकाल परमाणु परमाणु वैर यो भूंगते परमाणुताम सतो विशेष सतो विशेष भुग्यस्तु सकाल परमो महान परमात्मा का अणु और परमाणु का जो कण रहता है उस कर्ण से प्रारंभ होते हुए परमात्मा का जो विराट और भव्य ऐसा रूप है वो रूप तक किस प्रकार की कालगणना होती है ये अद्भुत दर्शन यहाँ पर मैत्रेय मुनि जी जिस प्रकार विदुर जी का अद्भुत रूपी प्रश्न करते हैं और परमात्मा का अद्भुत ऐसा कर्म किस प्रकार से है वैसे पूछते हैं वैसे ही मैत्रेय मुनि जी परमात्मा का अद्भुत वर्णन अपने आ, उत्तर देते हुए उसको बताते हैं अनुर्द्वाव परमा अणुर्द परमाणु सैत्सरेणुस्त्रस्मृता यक्काल यल सत्रुटिस्मृता शतभागस्तु वेदस्या स्त्रीभिस्तु लवस्मता अभी यहाँ पर काल की गणना किस प्रकार से होती है जो विंडो में या जो खिड़की जिसे हिंदी में झरोका झरोका कहते हैं उस खिड़की से विंडो से जो सूर्य के जो किरण आते हैं उस सूर्य किरण में जो अनेक हमें कण दिखते हैं असंख्य ऐसे कण दिखते हैं उस कण के उस कण का जो अंतिम कण जो है सबसे छोटा उन कणों में जो अंतिम छोटा जो कण है उस कण से इस काल की गणना प्रारंभ होती है उस छोटे से बारीक कण को अणु इस प्रकार कहते हैं वो अणु ऐसे दो अणु मिलते हैं तब एक परमाणु कण बनता है और एक परमाणु उसमें तीन परमाणु यदि कण वहाँ पर हम जोड़ते हैं तो उसका त्रिरेणु त्रिसरेणु इस प्रकार कहते हैं और इस त्रिसरेणु में नौ त्रिसरेणु यदि मिलाते हैं तो उसे त्रुटि इस प्रकार कहते हैं और उसके सौ भाग करते हैं उस त्रुटि के यदि सौ भाग करते हैं तो वो एक लव होता है और एक लव ऐसे एक लव तीन लव यानी एक निमेश होता है निमेश यानी जो हम आँख की जो पंखुड़ियां जो रहती है उसको जो हम चालू बन चालू बन करते हैं उसे निमेश काल कहते हैं अब ये निमेश काल परमात्मा का निमेश काल किस प्रकार से है वो यहाँ पर अंतिम इसमें भाग में बताते हैं तीन निमेश तीन निमेश यदि भाग जोड़ते हैं तो एक क्षण होता है पाँच क्षण मिलते हैं तो एक काष्ठा अथवा लघु होता है सौ लघु मिलाते हैं तो एक नाड़ी का दो नाड़ी का यानी एक मुहूर्त दो मुहूर्त यानी एक प्रहर चार प्रहर यानी एक दिन मीन सूर्योदय से सूर्यास्त का एक दिन ऐसा होता है और चार प्रहर चार प्रहर का एक रात्र यानी चार प्रहर का एक दिवस सूर्योदय से सूर्यास्त और दूसरे चार प्रहर का एक रात्र यानी सूर्यास्त से सूर्योदय तक इस प्रकार इसे अहोरात्र कहते हैं यानी एक पूर्ण दिवस इस अहोरात्र में ये एक अहोरात्र हो गए सात दिन यानी सात दिवस जिसे कहते हैं उसे एक सप्ताह कहते हैं दो सप्ताह का काल यानी एक पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ऐसे दो पक्ष का एक मास होता है जैसे अभी फाल्गुन मास चल रहा है ऐसे बारह मास रहते हैं दो मास का एक ऋतु अभी फिलहाल वर्तमान में शिशु ऋतु है जो अंतिम ऋतु है छः ऐसे छः ऋतु है और छः ऋतु हमारे केवल भारत वर्ष में ही हमें दिखते हैं अन्य किसी भी दुनिया के कोई भी भाग में ये नहीं दिखते हैं क्योंकि जिसे जियोग्राफिकली हम कहते हैं भारत देश का जो निर्माण है वो कर्कवृत्त पर स्थित है इसीलिए यहाँ पर छः ऋतु हम उपभोगते हैं जो कि सामान्यतः जगत के कोई भी देश में ये नहीं मिलता है और ऐसे छः ऋतु का छः ऋतु का एक समवस्तर होता है छः एक समवस्तर में दो अयन होते हैं दक्षिणायन और उत्तरायण और पूरा आज की भाषा में जो साइंस अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं अहंकार रूपी इस प्रकार वो कहते हैं कि हम ही श्रेष्ठ है परंतु वो श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है अपितु परमात्मा ही श्रेष्ठ है कैसे हैं तो उत्तरायण और दक्षिणायन ऐसा एक संवस्त्र में आते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन ऐसे साठ संवस्त्र होते हैं साठ संवस्त्र के पश्चात फिर हम षष्टाब्दी पूर्ति करते हैं क्योंकि हमारे जन्म के समय जो संवस्त्र होता है वो षष्टाब्दी के समय में फिर वही समवस्त्र प्रारंभ होता है इसीलिए उसका हमें बहुत बड़ा वो उत्सव मनाते हैं और वो भी उसके पीछे भी साइंस ही है और ऐसे साठ समवस्तर और एक समवस्तर यानी पितृगण का एक दिन होता है एक रहोरात्र होता है इसलिए हमारे घर में कोई भी जिनका मृत्यु होता है उसके पश्चात हम सांवस्तरिक उसका वर्षाब्धि करते हैं वो उनका पितृगणों का एक वो दिन होता है अहोरात्र ऐसे कृत त्रेता द्वापार और कली ऐसे चार युग होते हैं ऐसे चार युगों की जो संख्या है वह त्रियालीस लाख बीस हजार यानी फोर्टी थ्री लैक्स ट्वेंटी थाउजेंड ऐसे एक महायुग का प्रमाण है ऐसे एक महायुग का प्रमाण को यदि हजार से मल्टीप्लाई यानी गुणाकार रूपी करते हैं तो ब्रह्मा जी का वो एक दिन होता है सूर्योदय से सूर्यास्त और उसको फिर पुनः ए वन थाउजेंड से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको उनका वो सूर्यास्त से सूर्योदय तक ऐसा अहोरात्र होता है ऐसा ब्रह्मा जी का एक यानी कल्प की जो व्याख्या है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ऐसे ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी की जो आयु है वो एक सौ वर्ष की आयु है और यही सौ वर्ष की वर्ष की जो आयु है वो परमात्मा का केवल एक निमिष काल है जो हम आंखें खोलते हैं और बंद करते हैं वही परमात्मा का निमिष काल है इसीलिए भीष्माचार्य जी विष्णु सहस्त्र नाम में करते कहते हैं अणुर्बृहत कृषस्थूलो गुणभृर्गुण महान अणुकाल से लेते हुए महान से महान मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या है ये परमात्मा का अद्भुत ऐसा वर्णन इस कालरूपी एकादश अध्याय में विदुर जी के प्रश्न को उत्तर देते हुए यहाँ पर मैत्रेय मुनि जी अतिशय सुंदर रीत्या वहाँ पर बताते हैं अभी वर्तमान में आजकल जो साइंस है इसका प्रमाण क्या है इस अणु काल का प्रमाण क्या है तो बंगार का यानी गोल्ड का एक ऐसा प्रमाण का तार आता है ऐसा वो तार से एक जो कोड़ापा जो कोड़ापा जो रहता है उसको छेद किया जाता है तीन छेद करते हैं वो छेद से उसमें पानी डालते हैं और वही जो पहले वॉच नहीं थी तो वही उसका कैलकुलेशन था वो पात्र भरने के बाद फिर वो मुहूर्त कैसा है त्रुटि कैसा है वो सब उसका कैलकुलेशन था परंतु आज की साइंस की भाषा में वो इस इस प्रकार व्याख्या नहीं करते हैं क्योंकि उनको आज भी पता नहीं है तो वो फ्रैक्शन सेकंड को वहाँ पर बताते हैं अणु और परमाणु काल को फ्रैक्शन सेकंड यानी सेकंड के भी फ्रैक्शन फ्रैक्शन सेकंड यानी फिजिक्स की भाषा में क्वांटम फिजिक्स की भाषा में उसके एक कण के और बारीक 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 कण यानी वो भी कल्पनातीत ऐसे नहीं कल्पनातीत उनको वो केवल कल्पना करते हैं परंतु हमारे यहाँ सौ प्रतिशत सौ इस प्रकार से वहाँ पर किस प्रकार का कल्पना नहीं है अपितु परमात्मा वहां पर प्रमाणित करते हैं कि अणु 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 का जो कण है जो सूरज के किरणों में जो हमें जो असंख्य कण दिखते हैं उस कण का अंतिम कण सबसे छोटा वो कण से वहां पर कैलकुलेशन करते हैं इसीलिए चतुश्लोकी भागवत में कहते हैं कि परमात्मा अद्भुत क्यों है परमात्मा का विरा स्वरूप अद्भुत और अचिंत्य क्यों है अनप्रेसिडेंटेड क्यों है क्योंकि उसका कारण है प्रत्येक कण में परमात्मा वहां पर सम्मिलित सम्मिलित होते हुए वहां पर प्रवेश करते हुए उसका संचालन करते हैं इसीलिए चतुर्मुख ब्रह्मा जी को परमात्मा उपदेश करते हुए कहते हैं प्रविष्टान्यो प्रविष्टानी तथा तेषु न चेतन अचेतन सभी वस्तुओं में परमात्मा किस प्रकार से वहां पर प्रविष्ट होते हुए उसका संचालन करते हैं इसीलिए मध्वाचार्य जी अपने सिद्धांत में बहुत सुंदर रित कहते हैं कि हम सभी चेतन अचेतन सभी वस्तुएं इस ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तु है वो सब परमात्मा पर ही अवलंबित है और हम परस्वाधीन है और परमात्मा ही केवल स्वतंत्र है बाकी सभी अस्वतंत्र है इसीलिए आज का जो साइंस जो है वो भी यही इसी थेरी को प्रमाणित करते हैं परंतु वो भ्रमित है क्योंकि उनका अभ्यास नहीं है भ्रमित इसलिए है क्योंकि कि किसी गरीब आदमी को यदि एक एकदम रित्या पांच मिनट में यदि कोई एक करोड़ रुपए देता है तो वो पागल हो जाएगा साइंस का आज की स्थिति वैसी ही है परमात्मा को ब्रह्मा परमात्मा ब्रह्मांड की निर्मित एक क्षण में मात्र में करते हैं उसका नियमन भी करते हैं उसका प्रलय करते हुए अपने उदर में उसको समाहित भी करते हैं अरे आज की भाषा में यदि लोकसभा की भाषा में यदि कोई विषय पटल पर रखते हैं और यदि अपोजिशन वालों को यदि वो विषय मान्य नहीं है तो एक काल में वो गवर्नमेंट के जो लोग रहते हैं उसको रोल बैक करते हैं वैसे ही परमात्मा की भी लीला अद्भुत अचिंत्य क्यों है वो यहाँ पर बताते हैं भागवत के सभी प्रकरण में वो आते हैं परमात्मा वस्तु की निर्मित करते हैं उसका पालन पोषण भी करते हैं उसका फिर प्रलय यानी उसका विनाश भी करते हैं और फिर से उसको जीवित भी करते हैं परंतु साइंस इसके इसमें बहुत ही पुअर है एक प्लास्टिक की उन्होंने खोज की पर आज भी वो प्लास्टिक के कारण उनपे बहुत वो त्रस्त हो गए हैं उसको रोल बैक कैसे करना ये उन्हें पता नहीं है हैचार्य जी अपने सप्तम स्कंद में द्वादश स्त्रोत्र के कहते हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय सरग महा विभूति वृत्ति प्रकाश नियमा वृत्तिबंध मोक्षाणी और वही ब्रह्मांड वही जगत अपने उदर में सहज रित्या वहाँ पर समाहित करते हुए फिर कल्प की सृष्टि करते हुए उसकी सृष्टि करते हैं इसे ही आज की भाषा में फिजिक्स की भाषा में क्वांटम फिजिक्स कहते हैं कि पर अणु कण से जो वहाँ पर आ, काल है सेकंड त्रुटि अर, अर्धा घंटा एक घंटा इसकी जो गणना है वो केवल हमारे भारतीय शास्त्र में अभी तो भारतीय भारत के सभी पुराणों में वेदों में सभी इसमें वहाँ पर प्रमाणित होते हैं इसीलिए अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय ब्रह्मसूत्र का अर्थ भी यही बताता है अणु यानी इसमें द्वितीय द्वितीय अध्याय के तृतीय चतुर्थ पाद में कहते हैं ओम ओम यही प्रमाणित करते हैं इसीलिए अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भागवत को क्यों कहते हैं अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम ब्रह्म सूत्र ब्रह्म का तो अर्थ है ही वेद का भी अर्थ है ही परंतु आज के जो साइंस जो साइंस जो है जो खुद को बहुत बड़े समझते हैं हम भगवान से भी बड़े हैं इस प्रकार जो कहते हैं उनको भी ये प्रत्युत्तर है क्योंकि साइंस का जो बेस है उनकी थेरी ये कहती है कि ये जो जगत है ये अणु परमाणु कणों से ही निर्मित है इसी इसी को क्वांटम फिजिक्स कहते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है साइंस का जो पार्ट है दो विषय जो है वो उसका दस प्रतिशत वहाँ पर आता है परंतु फिजिक्स का जो महत्व है वो एटी परसेंट फिजिक्स ही है इस जगत में इसीलिए भीष्माचार्य जी भी इस रूपी परमात्मा का वर्णन एक ही लाइन में कहते हैं गुण गुणो महान। भगवान का वर्णन कैसा है तो से लेकर तो महान से महान क्या है इसीलिए कहते हैं त्यतिष्ठ दुषांगुल इतना ब्रह्मांड का पूर्णतः चतुर्मुख ब्रह्मा जी के लक्ष्मी जी के स्थान से लेकर तो पाताल तक के जो परमात्मा का वर्णन है इसका पूरा इसमें समाविष्ट होते हुए भी उसके ऊपर भी त्यतिष्ठ दशांगुलम परमात्मा इतने बड़े हैं बड़े कितने हैं तो हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि स्वयं लक्ष्मी देवी जी कहते हैं कि उनका रूप तो मैं भी स्वयं नहीं जान सकती हैं जो 24 फोर बाय सेवन परमात्मा के सान्निध्य में रहते हैं उनके आश्रय में रहते हैं वो भी नहीं जानते हैं ऐसा अद्भुत वर्णन भागवत के सभी प्रकरणों में सभी स्कंधों में अद्भुत रीत्या वर्तमान स्थिति में क्या है साइंस क्या कहते हैं, वो सब बताते हैं जैसे में परमात्मा का परमात्मा का का और जो युद्ध है वो क्या है आज की भाषा में वो बायोलॉजिकल वॉर है अभी लेटेस्ट में बायोलॉजिकल वॉर कौन सा था कोरोना का जो आ, क्या कहते हैं उसे कोरोना के जो विषाणु जो थे वो बायोलॉजिकल वेपन ही है वो वो छोड़ा गया हुआ बायोलॉजिकल वेपन ही है बाणासुर के साथ भी परमात्मा ने जैविक युद्ध ही किया है आज की भाषा में जो जैविक युद्ध परमाणु बम तो है ही परंतु जैविक बम भी है केमिकल बम भी है सब दुनिया के बहुत बड़े देशों के पास परंतु एक कोरोना का ही बम फट गया तो उसका विकराल रूप हमने देखा है और उसके हम स्वा... प्रत्यक्ष दर्शी है और परमात्मा ने तो ये सब किया है इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं महाभारत में जो भारत में है वही जगत में है वही ब्रह्मांड में है जो भारत में नहीं है वो जगत में नहीं है बाणासुर का युद्ध जैविक युद्ध है परमात्मा का जो अद्भुत जो बाल लीलाएं हैं जो बाल लीलाएं है उसका तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कल्पना भी नहीं कर सकते जहाँ हम मोक्ष की मोक्ष की जो संकल्पना जो है हमें हमारे पास ये तो केवल स्वरक तक ही जाते हैं परंतु स्वर्ग तो साधु संतों को तो स्वर्ग सुख, सुख में कोई अभिलाषा नहीं होती है क्यों नहीं होती है क्योंकि वहाँ वो क्षणिक मात्र सुख है हम भोजन करते हैं कुछ हमें जो जैसे मैसूर पाक वगैरह हमें पसंद है वो मैसूर पाक ही हमें खिलाएंगे बाकी कुछ नहीं खिलाएंगे तो हम जीवित रह सकते हैं क्या जीवित तो रह सकते हैं परंतु क्या करेंगे मैसूर पाक को नहीं अभी मैं मैसूर पाक एक महीना तो भी नहीं खाऊंगा ऐसा बोलते हैं परंतु मोक्ष का जो आनंद है वो कभी भी कम नहीं होता है क्योंकि हमारे जो षडरूपी है काल काम क्रोध लोभ मोह मत्सर माया ये जब तक के पूर्णतः हमारे इसमें से नष्ट नहीं होते हैं तब तक के मोक्ष की हम कल्पना नहीं कर सकते मोक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते ये क्योंकि वो कंसेप्ट ही उनके इसमें नहीं है भागवत के प्रत्येक प्रकरण में भागवत के प्रत्येक प्रकरण में साइंस ये समाविष्ट है इसीलिए चतुश्लोकी भागवत में जो कहते हैं कि चेतन अचेतन सभी वस्तुओं में परमात्मा सम्मिलित होते हुए जैसे हमारे शरीर में बिंब रूपी परमात्मा वहां पर वास करते हुए हमारे शरीर का संचालन करते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि जो अणुकण है वो उस अणुकण में परमात्मा का रूप किस प्रकार से होगा ये जो फ्रैक्शन सेकंड की जो इनकी कल्पना है वो कल्पना वहाँ पर वहाँ पर परमात्मा बताते हैं भागवत के प्रकरण में इसीलिए ये जो काल गणना जो है इस प्रकार की काल गणना साइंस आज भी नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास प्रमाण ही नहीं है परंतु परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना करते हुए उसका नियमन अद्भुत रित्या करते हैं और अत्यंत दयालु रित्या हम कभी परमात्मा पर रुष्ट भी होते हैं तो परमात्मा हमें कभी भी उसकी शिक्षा नहीं देते हैं अपितु उसको शरण जाते हैं दैत्यों को ही शरण देते हैं तो जो परमात्मा का नामस्मरण चिंतन करते हैं उन्हें तो परमात्मा कभी भी वहाँ पर दोष नहीं देते हैं इसीलिए परमात्मा का इस छोटे से मैंने यहाँ पर प्रयत्न किया स्वामी जी के सानिध्य में मैं पहली बार ही इस प्रकार का मैंने यहां पर प्रस्तुत किया है आपके सामने श्री कृष्णार्पणमस्तु